हेलो, माय नेम इज प्रशांत कुमार। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक कोई स्किल है और उस स्किल को आप स्केल करना चाहते हो, कहने क्या मतलब, आपके पास कोई भी सेक्टर का, कोई भी सेक्टर से आप बिलोंग करते हो, और या फिर आपके पास हेल्थ सेक्टर से हो, या फिर आप आईटी से हो, या नॉन आईटी से हो, कॉमर्स से हो, बायोलॉजी से हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपके पास कोई एक सिंगल स्किल है, उस स्किल को हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, और प्रोडक्ट बनाने के बाद आपके स्किल को हम लोग पूरे ग्लोबली स्केल कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो रीजनल क्षेत्र में भी आप स्केल कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम जो है मैं खुद डिज़ाइन किया हूँ, मैं खुद डेवलप किया हूँ, मैंने खुद बनाया हूँ, मैं खुद रिकॉर्ड किया हूँ। तो इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊँ कि मैं लास्ट 10 ईयर्स से डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ, और इसमें मैंने SEO से लेके ऑटोमेशन टूल्स से लेके ईमेल मार्केटिंग या फिर इसके जो लाइक इंटीग्रेशन चीज़ें होती है, सारे चीज़ों पे मैंने काम किया है। मैं CNC वेवल्ड को स्टार्ट अराउंड 2009 में स्टार्ट किया था। उसमें जो CNC वेवल्ड जो ग्रुप है, इस ग्रुप का जो सबसे पहले जो हम मैंने स्टार्ट किया था वो डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किया था। फिर कुछ दिन के बाद हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जो CNC वेवल्ड के नाम से लोग जानते हैं। ये बेसिकली पुणे बेस्ड कंपनी है, जो इंस्टीट्यूट है हमारा पुणे, मुंबई, नागपुर, ये 3 जगह पर चलते हैं। इसके अलावा हमारा सेक्टर जो है मैं एक्सप्लोर किया सोलर में, CNC सोलर के नाम से, ये पुणे बेस्ड कंपनी है। देन हमने स्टार्ट किया CNC स्टेज क्राफ्ट, जो एक फिल्म एकेडमी है, यहाँ पे हम लोग एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब की ट्रेनिंग देते हैं। ये सब अलग अलग सेक्टर में मैंने ऑलरेडी काम किया हूँ। डिजिटल एज ए मार्केटर मैंने लीड किया हूँ, मेरी टीम है जो ये सारी टीम इस पर काम करती है। जब ये सारी चीज़ें होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ लास्ट 10 ईयर्स से कि अभी मार्केट में अगर आप डिजिटली स्ट्रांग नहीं हैं तो मार्केट में सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। खासकर अभी इस लॉकडाउन का टाइम जो चल रहा है, इसमें तो इतना प्रॉब्लम हुआ लोगों को, लोग की जॉब चली गई है, लोग बिजनेस का ग्रोथ लोगों को कम हो गया है। इस केस में लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत झेलना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपके पास डिजिटली स्ट्रांग रहते तो कोई ना कोई आपके पास सॉल्यूशन मिलता, कहीं ना कहीं से आप अर्न कर सकते थे। इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म को सिस्टमेटिक बनाया हूँ, स्टेप बाय स्टेप बनाया हूँ। अगर आप IT से हो या नॉन IT बैकग्राउंड से हो, फिर भी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके प्रोडक्ट को बना सकते हो। अगर आप ये प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता हूँ, क्वालिटी में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं 10 साल से जो इस बिजनेस में हूँ, इसलिए सस्टेन किया हूँ कि ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी में सबसे पहले मैं मेंटेन करता हूँ। अगर आप अगर 100 रुपये भी पे करते हो तो मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि आपको मैं 1000 रुपये का कंटेंट दूँ। और इसलिए आप इस फिक्र में मत रहिए कि मैं ये लेने के बाद क्या मैं सीख पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इसकी सपोर्ट की मैं बात बताऊँ तो मैं वीक में एक दिन इन थर्सडे को रात को 9 बजे में एक वेबिनार सेशन रहेगा, जिसमें आपके सारे डाउट मैं पर्सनली आपको सॉल्व करूँगा। इसके अलावा मेरे एक ग्रुप रहेंगे, इंटरनल ग्रुप, आपको जो भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, उसमें मेरी टीम रहेंगी, वो टीम आपको उस क्वेश्चन के आपको आंसर करेंगे, ताकि आपका जो स्किल है उस स्किल को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके आप अर्न कर सकते हो। तो ये सारे सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद 4 to 5 आवर्स लगेंगे। 4 to 5 आवर्स के बाद एक लिंक जाएगा आपको ईमेल पे, लिंक जैसे जाएगा तो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आएगा डिजिटल बिजनेस मॉडल, इस पर आप क्लिक करोगे। इस डिजिटल बिजनेस मॉडल में क्या क्या आप सीख सकते हो, मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। इस डिजिटल बिजनेस मॉडल में इतने सारे टॉपिक है, इसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और से सारे हैं। कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैं ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहा हूँ लास्ट 10 ईयर्स से, तो मैं समझता हूँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो डिजिटल गिरी प्रोग्राम के लिए सबसे पहले यहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या क्या रहेगा, आपको कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे किया हूँ कि इस प्रोग्राम में क्या है। एक वीडियो अराउंड 10 मिनट का है, इस सिस्टम को आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, ये यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा।
फिर जो ये फाउंडेशन क्या होता है डिजिटल बिजनेस मॉडल का, फिर आप देख सकते हो बेनिफिट क्या होते हैं डिजिटल बिजनेस मॉडल के। आप जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये सारे ये वीडियो बेस्ड हैं, और वीडियो बेस्ड होने के साथ साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका यहाँ पे माइंड मैप नीचे रेडी है। आप चाहो तो इस माइंड मैप को आप डाउनलोड कर सकते हो लाइक फाउंडेशन ऑफ डीबी, और डाउनलोड करने के बाद आप चाहो तो इसको ओपन करके आप देख सकते हो जो भी मैंने पढ़ाया हूँ उसका एक कह लो सार है कि आप ये सार को एक बार इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने पूरा क्या पढ़ाया है। तो कभी भी इस अगर एक सिर्फ पीडीएफ फाइल को देखने के बाद आपको सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये जो वीडियो है ये वीडियो हमें हमेशा देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि किस तरह से गोल सेट करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस किस तरीके से बिल्ड करना है, आप कैमरा को फेस कैसे करोगे, अपने लाइफ को कैसे क्राफ्ट करोगे। देखिए ये मैं डिजिटल का पार्ट नहीं है बट मैंने लास्ट फर्स्ट चार दिन का जो सेशन है वो सेशन मैं इस तरीके से रखा हूँ कि मैं एज ए ह्यूमन बींग आपको स्ट्रांग बना दूँ कि आप कोई भी बिजनेस में जाओगे तो आप वहाँ से रिटर्न नहीं आओगे या फेल नहीं होके आओगे। तो फर्स्ट फोर डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक ही बिजनेस के लिए जो माइंडसेट होता है वो माइंडसेट मैं आपको प्रिपेयर करके दूंगा अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि मल्टीपल अर्निंग सिस्टम किस तरीके से, क्योंकि डिजिटल फील्ड में आपको अर्निंग के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, तो वो सारे तरीका मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कोई अगर डिजिटल बिजनेस मॉडल जो हम लोग बिजनेस करते हैं तो इस डिजिटल बिजनेस मॉडल में आपके क्या क्या यहाँ पे मीन्स पिलर्स होते हैं, ये सारे पिलर्स को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हूँ, और ये सारा एक्सप्लेनेशन हिंदी में है, आपको सुनने में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हिंदी में कहने का मेरा इसलिए है कि मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे शहर में छोटे छोटे गांव तक मैं मेरी बातें यहां तक पहुंची ताकि आप वहां के भी लोग इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। लोग फेल क्यों होते हैं बिजनेस में, व्हाई पीपल फेल इन ऑनलाइन एंड लाइक सक्सेस बिजनेस प्रिंसिपल क्या है, इस तरह से जो फर्स्ट जो चैप्टर है इस चैप्टर में आपको ये सारे चीज़ें बताए जाएंगे। ये मेनली फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन में जस्ट मैं आपको स्ट्रांग बनाऊंगा कि बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, आपको मेंटली मैं आपको प्रिपेयर करूँगा। जब आपका जब ये एक बार बिजनेस माइंडसेट पूरा हो जाएगा इसके बाद आपको सोच करना पड़ेगा कि आप किस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो, तो इस किसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा निच रहेगा ताकि आप उस निच पे काम कर सकते हो। जैसे कोई अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नॉलेज है, तो उसमें हेल्थ में वो कौन कौन से सेक्टर पर करियर बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे निच क्लियरिटी चैलेंज एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम अराउंड एक घंटे का वीडियो है, अगर देखोगे तो मैंने अराउंड 100 अलग अलग मीन्स नीच है, उस नीच को मैंने एक्सप्लेन किया हूँ लाइक सेल्स में कहाँ कहाँ पे आप करियर बना सकते हो, ऑपरेशन, पीपल, बिजनेस, ब्रांडिंग, इंडस्ट्री, मार्केटिंग, बहुत सारे हैं। करियर में आप सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड वेलनेस के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, मेक मनी के हैं, रिलेशनशिप है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं करियर के लिए। मैं ये सारा ऑप्शन मैं कलेक्ट करके आपके लिए मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ ताकि जब भी आप इस पे करियर बनाने के लिए सोचोगे तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा मैं आखिर करियर कहाँ बनाऊँ। सारे ऑप्शन मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं लेके आया हूँ आपके सामने में। तो इस तरीके से आप एक बार आप अपना निच डिसाइड हो जाएगा मुझे कि कहाँ पे जाना है, फिर उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कि मैं मुझे किस तरीके से करिकुलम को डिजाइन करना है, क्योंकि ये एक डिजिटल इंडस्ट्री है तो आपको पहले करिकुलम बनाना पड़ेगा। तो करिकुलम बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मुझे करिकुलम डिजाइन करने से पहले क्या सोचना पड़ेगा, तो उसके एक वीडियो है मीन्स थिंक बिफोर स्टार्ट योर करिकुलम, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। इसके माइंड मैप भी यहाँ पे रेडी है, सबसे पहले आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर्पस क्या है करिकुलम डिजाइन करने के लिए, कि जो प्रोडक्ट बना रहे हो आप उनको वीडियो के थ्रू सेल करना चाहते हो, वेबिनार के थ्रू सेल करना चाहते हो, या PDF रहेगा, बुक रहेगा, जो भी आपको रीजन रहेगा उसके लिए पर्पस आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये पर्पस डिसाइड करने के बाद आप इसके नेम स्ट्रेटजी, अब जो प्रोडक्ट आपने बनाया हो इस प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा, वो नाम भी आपको डिसाइड करने में अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि नाम किस तरीके से आप कर सकते हो और डिसाइड। तो इसमें नाम का भी स्ट्रेटजी है, यहाँ पे बहुत सारे मैंने ऑप्शन दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम स्ट्रेटजी आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे, जैसे आप लॉगिन करोगे डाउनलोड करोगे आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट को आप डिसाइड कर सकते हो और नाम वहाँ पे दे सकते हो। फिर आते हैं करिकुलम क्लियरिटी डॉक्यूमेंट्स,
इसमें ये रहते हैं कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें सिस्टमेटिक आपका मैंने एक्सेल शीट में पूरा डिटेल दिया है कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, पोजिशनिंग क्या है, सीक्रेट क्या है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको और मीन्स एक्सेल शीट में आपको मिल जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं जो बना रहा हूँ उसके लिए कितना डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये सारे अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाएगी। तो जैसे आप डिजाइन हो जाएगा तो डिजाइन होने के बाद आपका प्रोडक्ट एक देखा जाए तो रेडी हो जाएगा। अब जैसे प्रोडक्ट आपका रेडी हो जाएगा तब आपको इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग का भी तरीका क्या रहेगा, तो मार्केटिंग के लिए हम लोग एक फेसबुक प्लेटफॉर्म यूज करेंगे जहाँ पे हम लोग मार्केटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे कि फेसबुक प्लेटफॉर्म इसमें ग्रुप और फैन, जैसे फेसबुक ग्रुप किस तरीके से बनाते हैं, इसमें हम लोग फैन पेज कैसे बनाएंगे, फिर फेसबुक कैंपेन कैसे बनाएंगे, फिर वेबसाइट पर ट्रैफिक रन करना है, ब्रांड अवेयरनेस कैसे करना है, इंक्वायरी जनरेट आपका लीड जनरेट कैसे करना है, फिर वेब आप अगर आप कोई वीडियो प्लेटफॉर्म बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो तो उसको व्यू कैसे करनी है। तो कुछ स्ट्रेटजी है यहाँ पे फेसबुक में 1.0 में, बट अगर हम लोग अगर फेसबुक ट्रेनिंग की अगर डिजिटल ग्रिड 2.0 में जाते हो तो इसमें और बहुत स्ट्रेटजी के साथ जो है आपको बताया जाएगा, क्योंकि जो 1.0 है ये सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम है, 2.0 पे जाते हो तो ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम है डिजिटल सिस्टम का। अगर आप 3.0 पे जाते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटेड तो है ही, प्लस स्केल करने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीका बताया गया है जिससे आप अगर रेवेन्यू अगर 1 लाख रुपये महीने का कमा रहे हो तो वो वही सिस्टम जो है आप 4 से 5 लाख 10 लाख रुपए आप 1 से 2 महीने में कर सकते हो। वो जो है फेसबुक ट्रेनिंग 3.0 मतलब डिजिटल ग्रिड 3.0 में आपको लोग सिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक ट्रेनिंग जो है फेसबुक का 1.0 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब आपका फेसबुक ट्रेनिंग हो जाएगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जैसे इंक्वायरी जनरेट हमने कर लिया तो हमें उसको किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। तो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से होंगे, ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, ईमेल मार्केटिंग में लिस्ट कैसे बिल्ड करेंगे, न्यूज़लेटर कैसे रहेगा, और ईमेल को ऑटोमेटेड हम लोग किस तरीके से सेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक मेल आएगा, मीन्स इंक्वायरी जनरेट होगा, इंक्वायरी जनरेट होने के बाद लोगों को 1 महीना तक कंटिन्यूस, 2 महीने तक, 3 महीने, 6 महीने, आप जितना दिन चाहो आप उनको सेट कर सकते हो और ऑटोमेटिक उनको मिल जाता रहेगा। जैसे ईमेल मार्केटिंग हो जाएगा तब वो आप उनको वो पेमेंट आप तब आप क्या करोगे, उनको पेमेंट की ऑप्शन बताओगे कि मुझे पेमेंट किस तरीके से लेनी है। तो यहाँ पे पेमेंट सिस्टम की हमें पेमेंट गेटवे किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, पेमेंट गेटवे उसके साथ पेमेंट लिंक कैसे बनानी है, डिजिटल प्लेट डिजिटल प्रोडक्ट मुझे किस तरीके से स्टोर करनी है, इसमें GST सेटअप या पेमेंट सेटिंग्स, ये सारे चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। पेमेंट के लिए मैं इंस्टामोजो का यूज किया हूँ और ये सारे जो है सिस्टमेटिक और स्टेप बाय स्टेप है। आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं IT से हूँ या नॉन IT से हूँ। सिस्टमेटिक आप इसके लिए रिलैक्स रहिए और फ्री रहिए, सिस्टमेटिक आप इस पर वर्क कर सकते हो। जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको होस्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट, तो उसके लिए वीडियो जब भी आप वीडियो बनाओगे तो प्रोडक्ट होस्टिंग का भी तरीका है। तो प्रोडक्ट होस्टिंग का भी मैं यहाँ पे बताया हूँ कि अगर आपने वीडियो बनाए हो तो जैसे ये वीडियो मैं भी होस्ट किया हूँ, होस्ट करने के बाद ये वीडियो आप देख रहे हो, तो ये वीडियो बनाने के बाद आप किस तरीके से इसको होस्ट करोगे और होस्ट करने के बाद आप किस तरीके से वर्क करोगे। तो इस तरह से मैंने आपको पूरे जो सिस्टम है मेरे अंदर जो मैंने बनाया हूँ आपके पास को स्किल को और किस तरीके से डेवलप करके ग्रो करने के लिए ये मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया, ताकि आपको कभी ये रियलाइज कभी नहीं हो कि मैं पैसे पे करूं तो मैं किसके लिए पे करूं, अब मैं सिस्टम को नहीं जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो और मैं ये मार्केटिंग ऑल ओवर इंडिया में कर रहा हूँ, तो हो सकता है आप जो है मेरी कंपनी के ट्रस्ट को या मेरे ट्रस्ट को नहीं पता होगा। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले आपको पूरे सिस्टम बता दिया ताकि आपको साइनअप करने में प्रॉब्लम नहीं हो, आपको पे करने में प्रॉब्लम नहीं हो, वीकली सपोर्ट रहेगा, ईमेल सपोर्ट रहेगा, आप ग्रुप के थ्रू हमारा सपोर्ट रहेगा, इसके अलावा वीकली जो है हम नए नए टॉपिक के साथ मैं आपको ट्रेंड करूँगा कि आपने बिजनेस को वो आप प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे लेके जाओगे। तो आई होप कि आपको जो इंटरनल सिस्टम क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, मैंने ऑलरेडी अराउंड लाइक 95% डिस्काउंटेड प्राइस में, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम लोगों को बहुत सारे झेलना पड़ रहा है, जॉब चली गई है, बिजनेस चली गई है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है इस सिस्टम को
कम से कम प्राइस में आप खरीदें, और जो भी इस लॉकडाउन में है लॉकडाउन को आप फ़ायदा उठाएं और इस लॉकडाउन से आप प्रोडक्ट बनाओ और प्रोडक्ट के बाद आप अर्न करना शुरू कर लोगे। मैं पूरा भरोसा है कि अगर आपने नेक्स्ट 10 से 15 दिन भी इस पे टाइम दिया अच्छे से, तो आप प्रोडक्ट बना के आप अर्न इमीडिएट करना शुरू कर सकते हो। इस तरीके से मैंने इस सिस्टम को बनाया है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गए हों। तो अभी के अभी आप जो है बाय बटन पे क्लिक करके आप इसे बाय कर लीजिए, और बाय करने के बाद आप ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे कौन ईमेल एड्रेस है आप मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो, हम लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं। ओके, तब तक हम लोग मिलते हैं इनसाइड द सिस्टम। जब आप अगर बाय करते हो तो हम लोग इनसाइड द सिस्टम मिलते हैं, या फिर नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं जहाँ पर मैं आपको सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।